इंडोनेशिया में हुआ विमान हादसा। विमान हादसे में सवार यात्रियों का आखिर क्या हुआ? विमान हादसे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने आखिर क्या कहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रुचि पांडे। आज बात होगी इंडोनेशिया में हुए विमान हादसे पर। दरअसल इंडोनेशिया में बीते दिनों एक विमान हादसा हुआ जिसमें 12 क्रू मेंबर समेत 62 यात्री सवार थे। विमान हादसे की दुर्घटना के बाद यात्रियों की कोई खबर नहीं है। वो परिवार जो कोरोना के बाद अपने घर वालों से मिलने के लिए बेताब थे, वो माँ जो अपने बेटे को बस एक नज़र देखने के लिए तरस रही थी, वो अब भी इस इंतज़ार में, इस आस में बैठी हैं कि शायद उनका कुछ पता लग जाए। हादसे के पीछे की कहानी को भी हम विस्तार से समझाएंगे, क्या हुआ ये भी आपको बेहतर रूप से समझाएंगे हमारी आज की इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान श्रीविजय एयरलाइंस की उड़ान SJ-182 को दिन में करीब 1:30 बजे के करीब उड़ान भरनी थी, पर यह विमान ने 1 घंटे देरी से यानी 2:36 पर उड़ान भरी। लेकिन अचानक पायलट का संपर्क जमीन से टूटने लगा और फिर जब पायलट ने कोशिश के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जैसे तैसे अपना संपर्क किया, लेकिन कुछ समय बाद ही बोइंग 737-500 रडार से गायब हो गया। अचानक इंडोनेशिया का ये विमान अपने रास्ते से भटक गया। फौरन इंडोनेशिया की सेना और गोताखोर को विमान की तलाश में लगा दिया गया। अब खबर आ रही है कि इस विमान का मलबा जावा सागर में 23 मीटर की गहराई में मिला है, जिसमें 62 यात्री सवार थे। एयर चीफ मार्शल हादी त्यांग जानतो ने एक बयान में कहा कि हमें खबर मिली है कि पानी में दृश्यता ठीक है, जिससे गोताखोरों के दल के लिए विमान के कुछ हिस्सों को खोजने में मदद मिली है। जिस हिस्सों की पुष्टि की गई है वह निश्चित रूप से वही स्थान है जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हालांकि विमान हादसे का अब तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है और ना ही उसमें सवार लोगों का कुछ अता पता है। विमान इंडोनेशिया के पास लाकी द्वीप के पास क्रैश हुआ था। बता दें कि फ्लाइट रेडार 24 ने इस विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई मात्र 1 मिनट में खोते हुए ट्रैक किया था, जिसके बाद से किसी अनहोनी की आशंका बढ़ गई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। पर क्या सरकार के द्वारा दुख जताना काफी है? क्योंकि जिन लोगों के घर वाले इस विमान हादसे में मारे गए उनके लिए कौन जिम्मेदार है? इससे पहले भी इंडोनेशिया में विमान हादसों का इतिहास रहा है। सरकार इन हादसों को रोकने के लिए और साथ ही इसमें सुधार के उचित कदम उठाने के लिए आखिर क्यों नहीं आगे आती है? बता दें कि राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी ने बयान जारी करके कहा कि खोज एवं बचाव दल ने लाकांग और लाकी द्वीपों के बीच ये वस्तुएं बरामद की हैं। श्री विजय एयर इंडोनेशिया की एक स्थानीय बजट एयरलाइन है जो इंडोनेशियाई और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई गंतव्यों के लिए हवाई सेवा प्रदान करती है। कंपनी ने कहा कि वह अभी भी उड़ान के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार ये विमान बोइंग का 737 मैक्स नहीं है, जो हाल के वर्षों में 2 प्रमुख दुर्घटनाओं में शामिल है। इंडोनेशिया सरकार को होते विमान हादसों पर संज्ञान लेते हुए इन सभी लापरवाही के खिलाफ उचित कदम उठाकर इस पे जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। ये थी आज की मुख्य खबर। अब बादी आज की सुर्खियों की। पहली सुर्खी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वॉशिंगटन DC में इमरजेंसी के फैसले पर मुहर लगा दी है। वॉशिंगटन के मेयर ने हाल ही में हुई हिंसा के बाद 15 दिन की इमरजेंसी का ऐलान भी किया है। अब जब नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है तो अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। दूसरी सुर्खी, भारत में जहां कोरोना के केसों में गिरावट देखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। यूरोप के 6 देशों में कोरोना की लहर में इजाफा भी देखा गया है। तीसरी सुर्खी, सऊदी अरब ने एक ऐसा शहर बनाने का ऐलान किया है जहाँ ना तो कारें होंगी और ना ही सड़कें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर की योजना पेश की है। असल में सऊदी अरब तेल पर निर्भरता खत्म कर नए इनोवेशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है और यह योजना उसी का हिस्सा है। कुछ ही महीने में शहर के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर जुड़ूंगी आपके साथ अन्य ताज़ातरीन खबरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।